नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, शेयर बाजार का नाम लेते ही हमें घाटे और मुनाफे का ख्याल आता है। कई लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत सारा पैसा लगाया जा सकता है, तो कई लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो आपने राकेश झुंझुनवाला जी का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको बता देते हैं कि इन्हें शेयर मार्केट का किंग कहा जाता है। आज शेयर मार्केट की बदौलत इनके पास लगभग 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब दिल में क्वेश्चन आता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर कौन है राकेश झुंझुनवाला। वैसे तो राकेश झुंझुनवाला किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं और उन्हें बस इतना जान लेना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के किंग राकेश झुंझुनवाला है, मतलब वे जिस जगह पैसा लगाते हैं वहां उनका मुनाफा होना निश्चित होता है। अगर कोई नुकसान भी होता है ना, तो उसे दूसरे शेयर से कवर कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास इतनी संपत्ति है तो उन्होंने शुरू में खूब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा, या फिर उनके घर वालों ने उनकी खूब मदद की होगी। हमारे घर वाले तो मदद करते ही नहीं है, उन्हें खूब पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए दिया गया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है साहब, यह आपकी गलतफहमी है। दरअसल राकेश झुंझुनवाला जी 5 जुलाई 1960 को मुंबई में जन्मे थे। उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और वे उनके दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चाएं करते रहते थे। वे कहते थे आज इस शेयर का भाव उतरा है और आज इस शेयर का भाव चढ़ा है। तो ये बातें सुन सुनकर राकेश झुंझुनवाला को लगभग 15 से लेकर 16 साल की उम्र में ही स्टॉक मार्केट के बारे में रुचि हो गई। अब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि ये शेयर मार्केट के भाव बढ़ते कैसे हैं और घटते कैसे हैं। तब उनके पिता ने उनसे कहा कि इसके लिए तुम शेयर मार्केट की न्यूज पढ़ा करो। राकेश के लिए शेयर मार्केट का ये पहला नॉलेज था जो कि उनके पिता ने इनको दिया था। अब बात आती है कि आखिर राकेश झुंझुनवाले शेयर मार्केट में आए कैसे। तो जब वो शेयर मार्केट के बारे में न्यूज पढ़ने लगे तो उसी उम्र में राकेश जी की रुचि काफी ज्यादा बढ़ गई थी शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, और वे अलग अलग कंपनियों के बारे में पढ़ने लगे और जानकारी लेने लगे। तब उन्होंने अपने स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद अपने पिता से शेयर मार्केट में जाने की इच्छा जताई। तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अपनी पहले पढ़ाई पूरी करो। तो इसी तरह जब राकेश ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी की तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे शेयर मार्केट में जाना है। तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा, और ना ही तुम अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगना, और तुम्हें जो करना वो करो। लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि अब जो कुछ भी करूंगा मैं खुद करूंगा, लेकिन मुझे शेयर मार्केट में जाना है और इस मार्केट का किंग बनना है। तब राकेश जी थोड़े रुके और उन्होंने छोटी छोटी सेविंग करना शुरू कर दिया। तब 1985 के टाइम पे उन्होंने लगभग 5,000 रुपए की सेविंग कर ली थी, और उन्होंने अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लगभग 1986 के टाइम पे किया, और उन्होंने टाटा कंपनी के शेयर में लगभग 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए। तब उन्होंने 43 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदे थे और उन्हें 3 महीने के बाद लगभग 143 रुपए के हिसाब से उनको बेच दिया, जिसके कारण राकेश जी ने लगभग 5 लाख का मुनाफा किया। उसके बाद 1986 से लेकर 1989 के बीच राकेश ने 20 से लेकर 25 लाख रुपए तक लगभग कमाए मार्केट से। राकेश ने 2002 और 3 में टाइटन कंपनी के लगभग 6 करोड़ शेयरों को 3 रुपए के हिसाब से खरीदा, और बाद में उन शेयरों को लगभग 390 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचा, जिसके कारण उनका निवेश लगभग 2100 करोड़ रुपए हो चुका था। लेकिन आप सभी लोग भली भांति शेयर मार्केट को जानते हैं कि शेयर मार्केट में लगातार मुनाफा नहीं होता, शेयर मार्केट में नुकसान भी होता है। तो उन्होंने 2011 में शेयर खरीदे और उनके दाम लगभग गिर चुके थे, लगभग 30% उनके शेयर नीचे आ गए थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान उठाया। लेकिन उनके इस नुकसान को उन्होंने 2012 में और नए शेयर परचेस करके उनमें इसको प्रॉफिट में बदल दिया। तो राकेश जी का कहना है कि अगर आप गलतियां करते हो तो गलतियों से सीख भी सकते हो। जब तक आप अपनी गलतियों को मानकर
उनसे कुछ सीखते नहीं हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। राकेश जी ये मानते हैं कि निवेशकों को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और निवेशकों का निवेश करते हुए खुद पर भरोसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। राकेश के अनुसार शेयर बाजार में तेजी के समय सबका फायदा और मंदी के समय सबका नुकसान होता है, इसलिए ये बात मायने रखती है कि मैं अमीरों की लिस्ट में हूँ या नहीं। मेरा सीधा और आसान मंत्र है, बाय राइट एंड होल्ड टाइट, मतलब सही शेयर खरीदो और उसे जकड़ कर रखो। तो राकेश झुनझुनवाला एक तरफ जहां शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं उनके पास कुछ प्रमुख कंपनियों की शेयर होल्डिंग भी है। राकेश झुनझुनवाला एजुकेशन से जुड़ी कंपनी एपटेक के चेयरमैन है। इस कंपनी के लगभग 49% शेयर झुनझुनवाला परिवार के पास में है और राकेश और उनके परिवार को मिलाकर कुल शेयर की कीमत लगभग 600 करोड़ के आसपास है, जिनमें से लगभग 200 करोड़ के शेयर अकेले खुद झुनझुनवाला यानी राकेश झुनझुनवाला के पापा उनकी खुद की कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस है, जो कि एक असेट मैनेजमेंट फर्म है। अब आप सभी जानते होंगे, कोई इंसान अगर बुलंदी के शिखर पे होता है तो विवाद तो हो ही जाते हैं। तो साल 2020 की शुरुआत में ही राकेश झुनझुनवाला सुर्खियों में बने रहे। इसकी वजह थी कि सेबी उनसे पूछताछ कर रही थी, उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया था। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उस कंपनी की ऐसी जानकारी जो शेयर से संबंधित हो और उसे दूसरे लोगों या अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना, यानी कि कंपनी की इनसाइडर न्यूज बाहर मार्केट में जो बड़े ट्रेडर हैं उनको दे देना, इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग भारत में गैर कानूनी होती है। तो राकेश झुनझुनवाला के बारे में भले ही कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इनका फैसला भी सर समय पे हो जाएगा। लेकिन आज भी शेयर मार्केट के किंग के नाम में राकेश झुनझुनवाला को माना जाता है और सभी लोग इनको फॉलो करते हैं और हर ट्रेडर यही चाहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट एक दिन राकेश झुनझुनवाला जैसा हो और मैं भी इतना पैसा बनाऊं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो जो कि था राकेश झुनझुनवाला की लाइफ के बारे में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा जो कि शेयर मार्केट में आपको मोटिवेट करेंगे और आप जल्द से जल्द मार्केट में पैसा बनाना सीख जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।